इतला फवाद चौधरी का यू टर्न। फवाद चौधरी घंटा पहले दिए गए बयान से भी मुकर गए हैं। पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाह डबल से ट्रिपल कर दी गई है। सहाफी का सवाल, उनकी तनख्वाहें बहुत कम थी, 80,000 से भी कम थी। आपको बताएं, फवाद चौधरी ने यू टर्न ले लिया, घंटा पहले बयान से भी मुकर गए हैं। पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहें डबल से ट्रिपल कर दी। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको भी दिखा। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जो पंजाब असेंबली में जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, वहाँ के जो मेंबरान असेंबली हैं वो डबल से ट्रिपल कर दी गई है, तो आम बंदे की तनख्वाह? मेरा ख्याल उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह जी जी, तो उन्होंने 1.5 लाख कर दिया। तो अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। जो अगर आप ये करेंगे MLA MPS की तनख्वाहें हो ही ना जी, और वो आप मिडिल क्लास को आउट कर देंगे सियासत से। सही, इस हवाले से मजीद तफसीलात महविश कमाल से लेते हैं। महविश, बताइएगा सहाफी के सवाल पर फवाद चौधरी का क्या कहना था? जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने भी यू टर्न ले लिया है। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट के फौरन बाद ट्वीट की और कहा कि वज़ीर आला और पंजाब असेंबली के खुद को नवाजने के इकदाम वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से मुतासारम है। जबकि एक घंटा पहले सहाफी ने यही सवाल पूछने पर फवाद चौधरी का कहना था कि इनकी तनख्वाहें 80,000 से भी कम थी, और अगर इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाए गए तो मिडिल क्लास वाले इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, यानी MPA और MNA की तनख्वाहें ही ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने एक घंटा पहले जो बयान दिया और अभी यू टर्न लेके ट्वीट किया, और इमरान खान के ट्वीट के साथ जो है वो फवाद चौधरी ने यू टर्न ले लिया, कुछ देर पहले बयान से भी मुकर गए हैं। पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहें डबल